नमस्कार, आप देख रहे हैं एवन तेज और आपके साथ मैं हूं मनीषा गोदारा। चलिए शुरू करते हैं खबरों का सुपर फास्ट बुलेटिन। अमेरिका में जॉर्ज फ्लॉयड की मौत के बाद बवाल, नहीं थम रहा हिंसा का सिलसिला। 140 शहरों तक पहुंची हिंसा की आग। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हिंसक प्रदर्शनों को घरेलू आतंकवाद दिया करार। साथ ही राष्ट्रपति ट्रंप ने अमेरिका की सड़कों पर सेना की तैनाती की दी धमकी। अब तक 23 राज्यों में 17,000 नेशनल गार्ड की तैनाती। अमेरिकी अश्वेत नागरिक जॉर्ज फ्लॉयड की मौत के बाद अमेरिका में हिंसक विरोध प्रदर्शन जारी। माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्य नडेला ने कहा कि नफरत और नस्लवाद के लिए नहीं कोई जगह। उन्होंने कहा कि अफ्रीकी अमेरिकी समुदाय के साथ वो खड़े हैं। पीएम आवास पर केंद्रीय कैबिनेट की अहम बैठक, मोदी कैबिनेट ने दी 2 अध्यादेशों को मंजूरी। किसानों के लिए एक देश एक बाजार की नीति। लॉकडाउन के बीच चीनी उत्पादन में अच्छी बढ़त, यूपी ने बनाया रिकॉर्ड। लॉकडाउन के बीच भी लगातार चलती रही शुगर मिलें, मई के अंत तक देश में 268.21 लाख टन का हुआ गन्ना उत्पादन। भारत चीन विवाद पर राहुल गांधी ने साधा मोदी सरकार पर निशाना, कहा मोदी सरकार स्पष्ट करे हालात। भारतीय सीमा में घुसपैठ के दुस्साहस पर मोदी सरकार मौन क्यों। अर्थव्यवस्था को लेकर कल उद्योगपति राजीव बजाज से चर्चा करेंगे राहुल गांधी। राहुल गांधी ने अपने फेसबुक अकाउंट पर वीडियो साझा कर दी जानकारी। उत्तराखंड सरकार चारधाम यात्रा शुरू करने की तैयारी में जुटी। 8 जून के बाद सरकार सीमित संख्या में करेगी चारधाम यात्रा को शुरू। शुरुआत में केवल राज्य के लोगों को ही यात्रा करने की होगी अनुमति। अमिताभ बच्चन और जया बच्चन की 47वीं एनिवर्सरी आज। जया बच्चन ने सोशल मीडिया पर पुरानी तस्वीरों को किया शेयर। सोशल मीडिया पर खूब पसंद की जा रही है फोटोज। कंगन गांव में आतंकी छिपे होने की सूचना मिली थी। एहतियातन तौर पर पुलवामा में की गई इंटरनेट सेवा बंद। वहीं इस दौरान सेना ने किए गोला बारूद भी बरामद। यूपी के रायबरेली में शाहपुर लोन नदी के पास पेड़ पर लटका मिला युवक का शव। मामले की सूचना के बाद लालगंज थाना पुलिस मौके पर पहुंची। इस दौरान मृतक के परिजनों ने जताई हत्या की आशंका। यूपी के आगरा में भरभराकर गिरा मकान का छज्जा। मलबे में दबे पास ही खेल रहे 5 बच्चे। मौके पर मची चीख पुकार, सभी घायल बच्चों को निकाला गया बाहर। यूपी के रामपुर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। मुठभेड़ में 2 बदमाशों को लगी गोली तो वहीं एक सिपाही भी हुआ घायल। अजीम नगर इलाके का मामला। यूपी के मैनपुरी में डॉक्टर की लापरवाही से एक प्रसूता की मौत। घटना के बाद पति ने जताई नाराजगी तो चिकित्सकों ने पीड़ित पति को बनाया बंधक। पुलिस ने किया मामला दर्ज। यूपी के हरदोई जिले में किसानों के हालात खराब, जिसके चलते किसानों ने किया अनूठा प्रदर्शन। पालिक क्षेत्र में किसानों ने सब्जियों को नदी में बहाया। यूपी के हमीरपुर में विवाहिता ने कुएं में कूदकर की आत्महत्या। मानसिक तनाव के कारण उठाया कदम। सूचना के बाद पहुंची पुलिस ने शव को करवाया पंचनामा। टिड्डी टेरर पर सीएम अशोक गहलोत गंभीर। सीएमआर में वीसी के जरिए टिड्डी नियंत्रण को लेकर बनाई गई रणनीति। कृषि मंत्री लालचंद कटारिया, राजस्व मंत्री हरीश चौधरी, मंत्री भजन लाल जाटव रहे मौजूद। टिड्डी नियंत्रण दल और कृषि वैज्ञानिकों से जानी राय। श्रीगंगानगर के घरसाना में भी टिड्डी दल ने बरपाया कहर। केंद्रीय संसदीय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा, टिड्डी दल के नियंत्रण के लिए बनाई गई हाई पावर कमेटी। प्रदेश में राज्यसभा चुनाव की तैयारियां तेज। मामले को लेकर मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने दिया बयान, कहा राज्यसभा चुनाव में बीजेपी की किरकिरी तय, चुनाव में आ जाएगी सच्चाई सामने। कोरोना लॉकडाउन के कारण स्थगित हुई कॉलेज और यूनिवर्सिटीज की परीक्षाएं अब होंगी जुलाई के 2 सप्ताह में। सीएम अशोक गहलोत ने उच्च शिक्षा विभाग की बैठक में यह फैसला। अधिकारियों को समुचित व्यवस्थाएं करने के दिए निर्देश। राजस्थान रोडवेज की बस फिर सड़कों पर दौड़ने लगी। अजमेर में भी 100 रूटों पर किया गया बसों का संचालन। प्रत्येक यात्री की बस में चढ़ने से पहले की गई थर्मल स्क्रीनिंग।
नागौर जिले के कुचामन सिटी से भी अलग अलग रूट पर किया गया 5 बसों का संचालन। डीडवाना आगार से जयपुर के लिए आई बसों में नहीं थे यात्री। बसों में बैठने से पहले यात्रियों की हुई स्क्रीनिंग। कोरोना महामारी के चलते भीलवाड़ा में 75 दिन के बाद रोडवेज बस स्टैंड पर परिचालन शुरू। शहर से 3 जिलों के लिए रवाना हुई बस, वहीं यात्रियों को सैनिटाइज करने के साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग की करवाई पालना। कोविड-19 को लेकर झुंझुनू जिले के सूरजगढ़ में कलेक्टर यूडी खान ने लिया व्यवस्थाओं का जायजा। पिलानी में पेयजल व्यवस्थाओं के बाद पीलोद और भावथड़ी के मनरेगा कार्यों का भी किया निरीक्षण। झुंझुनू में कार्यरत एक इंस्पेक्टर पर लगा दुष्कर्म का आरोप। जयपुर निवासी महिला ने कर्णीविहार थाने में मामला करवाया दर्ज। कुंवरपाल सिंह के 2 साल से थे महिला से संपर्क। पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी। अलवर में एसीबी की कार्रवाई। कनिष्ठ लिपिक कैलाश चंद यादव 3,000 की रिश्वत लेते ट्रैप। क्लेम पास करवाने की एवज में मांगी थी रिश्वत। बीकानेर के कोलायत में ट्रक ने मारी स्कूटी को टक्कर। हादसे में स्कूटी सवार महिला की मौत। एएनएम पद पर कार्यरत थी मृतका। ट्रक चालक की तलाश में जुटी पुलिस। दांतारामगढ़ के डबल मर्डर केस का पुलिस ने किया खुलासा। सगे भतीजे ने की थी बुजुर्ग दंपति की हत्या। पुलिस ने आरोपी मांगेलाल को किया गिरफ्तार। अजमेर के जिला चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय के सामने शव मिलने से मचा हड़कंप। मामले की सूचना के बाद किशनगंज थाना पुलिस मौके पर पहुंची। परिजनों ने जताई हत्या की आशंका। श्रीगंगानगर के घड़साना में भी विष्णुदत्त विश्नोई की मौत प्रकरण की जांच सीबीआई से कराने की मांग। सर्वदलीय संगठनों की बैठक में लिया गया फैसला। बैठक में कई संगठन और राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं ने लिया भाग। अजमेर में बूट पॉलिश कारोबार पर कोरोना का वार। रोजाना 500 से 600 कमाने वाले मोची अब हुए बेरोजगार। सरकार से की राहत पैकेज देने की मांग। टोंक जिले के देवली में एक मकान में लगी भीषण आग। चर्च रोड के समीप मकान में हुआ हादसा। इलेक्ट्रॉनिक उपकरण समेत हजारों रुपए का हुआ नुकसान। श्रीगंगानगर के घड़साना में नायक समाज के तहसील अध्यक्ष अमीचंद चिंडालिया ने किया सम्मान समारोह का आयोजन। 24 एएससी के नवनिर्वाचित सरपंच मोटनदास नायक का किया सम्मान। कई कार्यकर्ता भी रहे मौजूद। प्रतापगढ़ के धरियावद में अंधड़ से हुआ भारी नुकसान। आंधी तूफान के चलते दर्जनों कच्चे मकान के उड़े 3 छप्पर। कई बड़े पेड़ हुए धराशाही। ग्रामीणों ने की सरकार से मुआवजे की मांग। अजमेर के नसीराबाद में पानी की लाइन का चैम्बर हुआ क्षतिग्रस्त। क्षतिग्रस्त चैम्बर से घरों में जाता है गंदा पानी। शिकायत के बाद भी नहीं जागा प्रशासन। जयपुर के जमवा रामगढ़ में सांसद कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौर के प्रयास लाए रंग। आदर्श ग्राम पंचायत कंवरपुरा में लहराएंगे पेड़ और पौधे। लोगों ने पौधों को बच्चों की तरह पालने का लिया संकल्प। बीकानेर के खाजूवाला की अनाज मंडी में बारदाने की कमी के चलते किसान परेशान। विधायक गोविंद राम मेघवाल ने कृषि मंडी में जाकर की किसानों से बातचीत। जल्द से जल्द समस्या का समाधान करवाने की कही बात। पाली के सादड़ी में पति की हत्या के मामले में पर्दाफाश। पत्नी ने ही की थी अपने पति की हत्या और फार्म की जमीन पर गाड़ दिया था शव। दामाद की रिपोर्ट पर हत्या और साक्ष्य मिटाने का मामला दर्ज। अजमेर के नसीराबाद रोडवेज बस स्टैंड पर लौटी रौनक। बसों के आवागमन के बाद बस सेवा शुरू। सोशल डिस्टेंसिंग की पालना के साथ यात्री कर रहे हैं यात्रा। श्रीगंगानगर के घड़साना में महामारी के मद्देनजर आवश्यक उपाय नहीं करने पर पुलिस ने कार्रवाई की। पुलिस ने 35 लोगों के खिलाफ ये कार्रवाई की। साथ ही दोषी दुकानदारों से 500 रुपए जुर्माना भी वसूला। भीलवाड़ा में विश्व साइकिल दिवस पर अनूठी मुहिम। शारीरिक शिक्षक मुकेश कुमावत ने दिया पर्यावरण संरक्षण का संदेश। 70 किलोमीटर की साइकिल यात्रा की पूरी। A1 तेज में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए A1 TV। नमस्कार।